गुड मॉर्निंग साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, खुशियों का चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ, बिल्कुल हौसला बना के रखना है और ढेर सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं वो खुद ब खुद आती जाती हैं। चलिए, आज आपका ये क्लास नंबर 75 है। आप लोग सोच रहे होंगे किसी दिन 45, किसी दिन 75, ये सब क्या बवाल हो रहा है। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो जीरो लेवल की मैथ पहले हो चुकी है लगभग में 200 के आसपास, अभी तक उनकी कुछ क्लास की क्वालिटी जो है थोड़ा लो थी, है ना, जो कि क्वालिटी से समझौता करना हमारे बस की बात नहीं है। तो कोई भी क्लास की क्वालिटी ख़राब हो ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, उन्हीं को अपडेट किया जा रहा है और इस वजह से ये क्लास नंबर 75 आज हम अपडेट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर सवाल। तो पहले हम परसेंटेज का कुछ छोटे छोटे सवाल देखते हैं। देखिए, कह रहा कि वो राशि ज्ञात कीजिए, वो अमाउंट फाइंड कीजिए जिसका 35% इक्वल टू 80 है, मतलब जिसका 35% 280 है, वो राशि बताओ। कैसे, मतलब समझना। जैसे अगर आपको कहा जाए, क्या कहा जाए, देखो जैसे हमने कहा 100, ठीक है, 100 का 10% बताओ, तो 100 का 10% आप सभी बता लोगे क्या आएगा। 100 का 10% अगर पूछे तो क्या आएगा, 10 आएगा, बोलो आएगा ना, आएगा ना। इधर देखना, अगर हमने कहा कि 200 का 10% बताओ, तो 200 का अगर 10% की बात करें तो आप लोग जान जाओगे 20 होगा, बोलो होगा ना। यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें कौन, एक तो मूल अमाउंट और एक उसका परसेंटेज और दूसरा जितना फाइंड हो रहा है। बट यहाँ दो ही चीज़ें हैं, वो कौन कौन है, परसेंटेज है और क्या है, प्राप्तांक है, मतलब ये है और ये है, ठीक, हमें ये फाइंड करना है। बात समझ गए ना, दिमाग में घुस रहा होगा ना, मतलब ये चीज़ हमें फाइंड करना है। यहाँ से अगर इसकी कंपेयर करो तो ये फाइंड करना है, इससे अगर कंपेयर करोगे इससे तो ये फाइंड करना है, मतलब मूल अमाउंट राशि प्राप्त करना हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, कोई टेंशन नहीं लेना है, गणित में मानना बहुत बड़ी बात होती है। आजकल जितने भी गणितज्ञ हुए सब मानते आए हैं कि मान लीजिए बस, ज़्यादा नहीं। तो माना वो राशि बराबर यक्स, कुछ भी मान लो, कोई भी चर पद, माना वह राशि इक्वल कितना, यक्स। अब क्या कह रहा था, कह रहा था जिसका 35% 280 के बराबर है, तो यक्स का 35% कर लो, तो यक्स का 35% इक्वल कितना है, 280 है, तो निकाल दो फिर फटाफट, परसेंटेज हटेगा तो 100 से भाग हो जाएगा, बराबर 280 कहलाएगा, है ना, आएगा ना। अब क्या करोगे, हल करना तो सभी जानते हैं, आप लोग सीख चुके हो, पुराने खिलाड़ी बन चुके हो, है ना। क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये 35x बराबर 280 गुणा 100 आ जाएगा। यक्स का मान निकालोगे, लेकिन उसके पहले ये बताओ नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं तो हम सब कुछ निकाल दें, आप लोग देख भी ना पाओ, कहो पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, इसको हम साइड में लिख देते हैं, काहे लिए टेंशन लेते हो, ये बहुत बड़ा मैदान है इधर। यहाँ पर यक्स बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 280 × 100/35। अगर इसको 35 से आप काटना चाहो तो काट सकते हो, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, 35 अट्ठे होता है 280, है ना, 35 से कम 35, 35 अट्ठे होता है 280। लेकिन अब कहोगे कहाँ होता है, तो देखो इधर 8 से गुणा करो, 8 × 5 = 40, हासिल 4, 8 × 3 = 24, 4 = 28। लेकिन अब आप लोगों का सवाल होगा कि क्या हमें 35 का पहाड़ा याद है, जो जल्दी से काट दिए फट से, कहाँ से देख के काटे हो, है ना। देखिए, मतलब समझना, इसको सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, इसको करने के लिए क्या करना होता है, आपको HCF आना चाहिए, मासा, मतलब अगर आपको कहा जाए कि चलो भाई बताओ 280 और 35 का HCF कितना होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों कट जाएं, तो वो खुद 35 होगा, ठीक, और उसी HCF से काटोगे एक बार में कट जाएगा, बाकी इसको आप तीन चार भाग में काट सकते हो, वो अपनी जगह है। फाइनल में इसका आंसर आएगा 800 रुपया, मतलब एक्स का मान क्या आ गया, 800 रुपये। अतः ये कन्फर्म हो गया कि 800 रुपये का 35% क्या है, 280 है। इतना पहले लिख लो आप सभी, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं, आप कृपया शांति बनाए रखिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलें,
वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या फिर एक काम करिए आप सभी, वो क्या करेंगे, वीडियो को स्क्रीन पे टच करके रोक लीजिए और बाद में लिख लीजिएगा। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको हम सिद्ध करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि सवाल एक है हो लेकिन आप संतुष्ट हो जाएं, हमारा ये पर्पज होता है। वो राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35% 280 है। अब आप कहेंगे वही एक बात का है, बार बार घोर रहे हो, पागल वागल हो गए हो का। देखिए उसका मतलब मैं बता रहा हूँ, काहे घोर रहा हूँ। हमारी जो राशि आई, आपकी जो राशि आई वो कितना आई, 800 आई। अब हम इसको सिद्ध करेंगे गलत है कि सही है। कुछ लोगों के दिल में आ रहा होगा ये जो सब बता रहे हैं सही सही बता रहे हैं, गलतें लगा रहे हैं। देखिए 35% 280 है ऐसा कहा गया था, हमारी जो राशि प्राप्त हुई 800 प्राप्त हुई, तो 800 का 35% निकाल दो, अगर 280 आ गया तो मान लो सही है, अगर ना आया तो मान लो फिर वैसे बेवकूफ़ी बना रहे हैं आपको। चलिए तो 800 का 35% कितने का, 800 का 35% निकालना है, तो कर लो 800 गुणा 35 बटा का हो जाएगा 100। 100 का ये होता है जब प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, जब लगाते हैं तो गुणा करते हैं। काट दो 100 से काटोगे 8 आएगा, और फिर वही कहावत आ गई पुरानी वाली, ये गुणा कर लो 280 आ गया। मतलब आप तो विश्वास हो गया ना, सही लगाया है ना, ठीक। मतलब वो राशि 800 है जिसका 35% 280 के बराबर है। कैसे बराबर है, क्यों बराबर है, कब बराबर है, हमने सब दिखा दिया। अब छाप लीजिए फिर से एक बार। देखिए हमारी अगर आप लोग बात मानिए, कहना मानिए ना, तो एक बार पहले पूरी क्लास को देख लिया करिए, कोई भी छापेगा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में जब क्लास ख़त्म हो जाए तो आप वीडियो को रिप्ले करके बैक करके फिर से देखें और तब छाप लें। और कोई भी वीडियो को डाउनलोड ना करें जो लोग फ्री में देखना चाहते हैं, ऑनलाइन देखें। अगर आपका इंटरनेट नहीं चलता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके यहाँ से अनुमति और परमिशन के बारे में कुछ इंक्वायरी कर लें, फिर आप हर एक वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप डाउनलोड तो कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम ना होगी यूट्यूब पर, लेकिन फिर हमारी तरफ से आपको जो क्लासें हैं वो यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, ऐसा कुछ आपको महसूस होगा थोड़े दिन बाद, ठीक ना। तो इसलिए जब भी देखिए, अगर हो सकता है तो ऑनलाइन देखिए। अगला सवाल क्या है, अगला इसी में है। वो राशि ज्ञात कीजिए जिसका 3/5% बराबर क्या है, 90 है। बताओ वो कौन सी राशि है जिसका 3/5% 90 के बराबर है, बोलिए कौन सी राशि है, जल्दी बताइए। देखिए अब आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन ये सवाल आपको लग रहा होगा कि भाई अभी जो ये बताए हुए थे वो था 35% बराबर 280, ये तो सीधा सीधा था, ए में तो बाहर झंझट लग रहा है, कैसे होगा, ये भी वैसे होगा, इसमें भी मान लोगे, माना वो राशि बराबर, कुछ लोग सोच रहे होंगे यक्सी मानते हैं क्या, रूल में लिखा है क्या कहीं, नहीं कुछ भी मान लो, हम ए मान लेते हैं, कोई भी एक वेरिएबल मान लीजिए ए बी सी डी से लेकर के जेड तक, मतलब ए से लेके, तो हमने ए मान लिया। अब क्या हो गया, ए का 3/5% बराबर का है 90, तो निकाल लीजिए ए का मतलब होता है गुड़ा, ठीक ना, ये ए फॉर एप्पल, जानते हो ना, पढ़े हो ना बचपन में, 3/5%। देखिए परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, यही पे झंझट होने वाला है समझना, ये 100 से हो गया भाग, बराबर हो गया 90। अब आप लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है जब कहीं 3/2/7 दिया है तो, है ना, सोचते हो इसमें क्या होगा, ये तो 3-4 नंबर एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा चढ़ा बैठा है, कैसे करेंगे। देखिए मतलब समझना, यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, पहले ये समझते हैं किसका किसका जोड़ी बनी है, कौन कौन सिंगल है भाई, तो जिसकी जिसकी जोड़ी नहीं बनी है उसका जुगाड़ करा देते हैं, और कहाँ से कराते हैं अभी देखना। यहाँ पर देखिए इन दोनों का जोड़ी बनी है पहले से, कैसे मालूम चला, क्योंकि ये भिन्न है, देखो 3/5 है ना, मतलब ये जोड़ी में है, फ्रैक्शन है, लेकिन ये 7 बेचारा अकेला है, तो इसको क्या करते हैं, टेम्प्रोरी इसको भी जोड़ी बना देते हैं, एक लिख देते हैं नीचे। अब देखो दोनों का जोड़ी बन गई ना, तो अब इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। अब क्या करेंगे, अब आप इनको बाहर बाहर का गुणा कर दो अंदर अंदर का, आपको समझ में भी आ जाएगा, ये एक तरीका हो गया। इसका दूसरा तरीका भी है, बाहर बाहर का मतलब 3 का 1 में गुणा कर दो, 3 2 का 7 में कर दो 14, बात समझ में आई ना, ये हो गया तरीका, वही अपनाओगे इधर भी। देखिए 3/5 ये तो खुद ही जोड़ी में है, मतलब इनके जोड़े बने मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में है,
ये 100 अकेला, इसके नीचे वन छिपा दो, बस हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीपल वगैरह कर लो जैसे भी आपके दिमाग में आए वैसे। तो मतलब समझ जाएंगे अगर आप, तो ये सवाल कहीं भी आपको परेशान नहीं करेंगे, बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप समझोगे नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। चलिए अब इसका गुणा करोगे, आप जानते हो 3 का 1 में होगा, 5 का 100 में होगा, तो ये हो जाएगा। अब बहुत बड़ा बच्चा तो हो नहीं, आप लोग समझदार हो। ये 3 बटा हो जाएगा 500, बराबर हो जाएगा 90, है ना? बात समझ में आ रही ना, दिमाग में घुस रहा है कि नहीं? तो मतलब कहने का हमने क्या किया, 3 का a में गुणा कर लिया, थोड़ा सा शार्ट कर दिया, और 100 का 5 में कर लिया, हो गया 590। अब यहाँ 1 छिपा दो, क्रॉस मल्टीपल, तिरछा गुणा जानते हो ना, कैची वाला। तो ये हो जाएगा 3a बराबर 500 गुणा 90, और a बराबर हो जाएगा 500 गुणा 90 बटा 3। 3 से काट दो, 3 3 का 90, और a का मान आएगा कितना, 15,000। बताओ सही लिखा है गलत? दिमाग की बत्ती एक्टिव करके बैठना, नहीं तो यहाँ पे सब सही ही नहीं लिखा जाता है। हम आपको कभी कभी बेवकूफ़ बनाते हैं और आप बेवकूफ़ बन भी जाते हो, इसलिए बहुत ध्यान से देखना, ठीक ना? देखिए अब इसको हम बता दें सही है कि गलत है, सिद्ध करके भी आपको दिखाएंगे, टेंशन मत लेना। बिल्कुल जो होगा, कोशिश हमारी यही होती है कि सब कुछ आपको सही सही दिया जाए। देखिए लास्ट में आया था 500 और आया था 30, क्या आया था, 500 और 30 आया था। इसका हमें गुणा करना था। 5 का पहाड़ा तो बहुत पढ़े हो पंडित जी, रटा रटा के पढ़ाए थे बचपन में, है ना? 5 यहीं 15, और देख लो टोटल 0 कितना है, 1 यहाँ है 2 यहाँ लटका है, कितना हो गया, 3। मतलब 3 0 लगा दिया, 15,000 तो आ रहा है, कुछ और आ रहा है। बात समझ में आ गई ना? तो जिनको जिनको लिखना है वो फटाफट एक्टिव हो जाएं, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलें। चलिए और हाँ, टाइम याद रखना, सुबह 5 बजे से PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर ये क्लास आपको मिल सकती है। अगर आप सुबह 5 बजे नहीं देख सकते हो तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से उठो मोच हट के सुबह 10 बजे और तब भी देख सकते हो, ठीक ना? लेकिन उसके लिए क्या करना है, PBR स्टडी इलाहाबाद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना, जिससे आप 10 बजे भी देख पाओ इस क्लास को। लेकिन कोशिश ये करना कि सुबह देख लेना, नहीं हो सकता कभी कभी आपको ये क्लास बाद में देखने के लिए उपलब्ध नहीं होती है। और हाँ एक सबसे बड़ी बात बता दें, उसके बाद अभी आगे भी चलेंगे, अभी बहुत सारा सवाल करना है, भागना मत, छुट्टी नहीं हुई अभी। देखिए इन क्लास को आप दोपहर में 11 बजे देख सकते हैं, सेम वही क्लास। वो कहाँ पे देखोगे, फेसबुक पर। फेसबुक अपनी आईडी को लॉगिन करना, उसके बाद क्या करोगे, वहाँ पर फ्रेंड जहाँ सर्च करते हो वहाँ पे PBR स्टडी सर्च कर देना, ठीक ना? वहाँ पे देख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप इन क्लास को सेम टू सेम यही क्लास शाम को 7:30 बजे से देख सकते हो। वो दूसरा प्लेटफॉर्म है आपके PBR स्टडी का ही, PBR स्टडी ग्रुप चैनल पर, ठीक है? तो इन सभी बातों को बहुत गौर से समझना, अगर वास्तव में मैथ सीखने की चाहत रखते हो तो। गारंटी हम लेते हैं, लेकिन कोशिश आपको करना होगा, क्योंकि जो क्या कहते हैं इनपुट, इनपुट हम यहाँ से दिलाएंगे आपको, प्रोसेसिंग आपको ही करना पड़ेगा और फिर आउटपुट भी आपको ही मिलेगा, है ना? पढ़े हो ना इसको कंप्यूटर में? चलिए इनपुट आउटपुट जानते हो ना, जैसे आटा होता है, देखो थोड़ा कंप्यूटर की बात हो जाए, आटा होता है ना, आटा में हम लोग पानी डालते हैं, फिर क्या होती है, गूंथते हैं, फिर रोटी बन जाती है ना, तो आटा क्या हो गया, इनपुट हो गया, और गूंथा उसको क्या, प्रोसेसिंग हुआ, रोटी बन के निकल गई, क्या हो गया, आउटपुट हुआ ना। तो मतलब क्या क्या मतलब बताएं यहाँ पर, चलिए अगला सवाल में चलते हैं। हाँ तो साथियों इसमें बहुत कुछ है, पहला नंबर जो सवाल है यहाँ पर उसको जरा गौर से देखना, वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला, एक घड़ी क्या है, एक घड़ी 400 रुपये में खरीदी गई, कितने में, 400 रुपये में खरीदी गई और 10% लाभ पर बेच दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। देखिए खरीदा गया कितने में, खरीदा कितने में गया, 400 रुपये में। क्वेश्चन नोट कर लो पहले, तब मज़ा आता है। नंबर डाल दो इसमें, तीसरा चौथा कुछ भी। एक घड़ी कितने में खरीदी गई, देखिए अब यहाँ पर हम लोग CP और SP की बात करेंगे। CP और SP क्या है, गौर से देखना। घड़ी 400 रुपये में खरीदी गई, 10% लाभ पर बेच दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य बताओ। देखिए
खरीदा गया मतलब कॉस्ट प्राइस, बेच दिया गया मतलब सेलिंग प्राइस। तो घड़ी का जो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस है 400 रुपीज़ है, प्रॉफिट उस पर 10% मिल रहा है। पूछ रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस बताओ। सेलिंग प्राइस भाई सिंपल सी बात है, आपको कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट के रेट दिया है, तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो ना। चलो लिखो इधर आगे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट इतना दिया 10%, आप यहाँ पे लिखोगे रियल प्रॉफिट। रियल प्रॉफिट मतलब वास्तविक लाभ कितना हो रहा है कुल मिला करके, तो वो हो जाएगा 400 का 10%। 400 का 10% निकाल लो तो 400 × 10/100 काट दो, 4 आ गया बराबर 40 रुपया। मतलब वो घड़ी 400 रुपये में ख़रीदा था, जिसने वो बेचेगा 10% लाभ पाएगा तो 40 रुपया का उसे क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। चाहे 10% लाभ बोलो या फिर 40 रुपया का लाभ बोलो, मतलब एक है। यहाँ पर 40 रुपया स्पष्ट दिख रहा है, पारदर्शिता हो रही है, यहाँ पर केवल परसेंटेज लगा था, नहीं समझ में आ रहा था। तो अब क्या हो जाएगा, आता है उसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जानते हो, अरे वही जो हिंदी वाले समझने वाले हैं, विक्रय मूल्य लिख लो। विक्रय मूल्य बराबर 400 × 40 = 440 रुपया। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, विक्रय मूल्य बराबर मूलधन, और सॉरी मूलधन नहीं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ बराबर वही आ गया कितने में बेची गई, ठीक ना। ये कोई सूत्र नहीं है परमानेंटली, सवाल के आधार पर मैंने बनाया है। तो ये हो गया 440 रुपये। अगला सवाल पे चलना, क्वेश्चन नंबर है साथियों यहाँ पर दूसरा नंबर का कह रहा है, कह रहा कि 100 रुपये की वस्तु 120 रुपये में बेची जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। भाई सिंपल सी बात है, आप लोग बचपन से पढ़े हो, अगर बिस्किट या टॉफ़ी भी मम्मी या पापा बड़े भाई या बहन को या छोटे भाई या बहन को एक आठ ही ज़्यादा दे देते थे बचपन में, तब भी लड़ाई हो जाती थी कि उसको ज़्यादा मिला है। काहे लिए, क्योंकि हम लोग समझते हैं शुरू से ही कोई बताता नहीं है कि लाभ हानि क्या होता है। कोई भी चीज़, छोटा सा बच्चा भी है, अगर आप दो बच्चे बैठे हैं कहीं उनमें कुछ चीज़ें आप कंपेयर करते हो तो समझदार होते हैं, समझ जाते हैं। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि अगर 100 रुपये में कोई वस्तु को खरीदा जाएगा, 120 में बेचा जाएगा तो क्या होगा, लाभ ही होगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यदि 100 रुपये की वस्तु को 120 रुपये में बेचा जाए, तो यहाँ पर लिख लो फटाफट हल में क्या लिखोगे, वस्तु 100 रुपये की है मतलब क्या है, 100 रुपये की वस्तु को 120 में बेचा जा रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य है ना, या प्रिंट प्राइस। इक्वल कितना है, 100 रुपये है, और कितने में बेचा जा रहा है उसको, 120 रुपये में बेचा जा रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, 120 में बेचा जा रहा है, वस्तु 100 रुपये की थी तो क्या होगा, 20 रुपये का लाभ होगा ना, होगा ना। तो इसको क्या करेंगे, प्रतिशत में निकाल लेंगे, किस में निकाल लेंगे, परसेंटेज में निकाल लेंगे, परसेंटेज में पूछा था ना, लेकिन इसको तरीके से लिख लो ना। तरीके से क्या, देखिए सिंपल सी बात है, 100 रुपये की वस्तु है मतलब उसका क्रय मूल्य है क्या है, कॉस्ट प्राइस, उसकी लागत कितनी है, 100 रुपये। लिख लो वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितना है, 100 रुपया है। बेचा कितने में जा रहा है इसको, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 120 है, इसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ थी, सेलिंग प्राइस 120 है, तो प्रॉफिट हो जाएगा, आप जान जाते हो सभी लोग कि 120 − 100 = 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, बट इसको हम परसेंटेज में लिखेंगे, तो लिख लो प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर, या फिर प्रॉफिट इंटू परसेंटेज इक्वल, लिख लो क्या होता है फार्मूला जानते हो ना, लाभ इंटू, लाभ मीन्स प्रॉफिट, 100 / क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस, ठीक। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20 × 100, कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 है तो था, हाँ यार 100 ही तो था, तो 100 से 100 काट दो, इक्वल 20% आ गया। देखो एक बात तो ऊपर कंफर्म हो गई थी कि वस्तु 100 रुपये की है, अगर उस पर परसेंटेज निकालोगे तो जितना रुपया आ रहा है उतना ही परसेंटेज होगा उसका, ठीक ना, ये तो पहले से ही कंफर्म हो गया।
अगला सवाल को भी देख लेना गौर से। चलिए अब ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के लिए होमवर्क हैं भाई, कुछ होमवर्क तो करना चाहिए ना। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लेना। कह रहा कि ये किताब को 80 रुपये में खरीदा गया तथा 60 रुपये में बेचा गया, तो लाभ होगा कि हानि होगी, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप सभी जानते हो, लेकिन जो प्रॉफिट लॉस होगा वो कितना परसेंट होगा। दूसरा एक सबसे अहम मुद्दा है जो कि आजकल भारत देश के लिए चुनाव वाला, उसका भी एक सवाल है कि एक चुनाव में 75,000 मतदाता थे, मतलब वोटर थे, जिसमें से 20% लोग बहुत ज़्यादा VIP थे, वोट देने नहीं गए, और फिर जो लोगों ने वोट दिया उन्हीं को वोट पा करके कुछ अच्छे कुछ बुरे जीत गए। अब बताइए कितने लोगों ने वोट दिए थे। वैसे तो यही सजेशन होगा हमारा कि कोई भी चुनाव किसी भी प्रकार का अगर हो रहा है तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जाना चाहिए। इसको कैसे करोगे? पहले इसका टोटल निकाल लेना, 20%। 20% निकाल करके जो लोग वोट नहीं दिए उनको निकाल के किनारे कर देना, फिर जो बचेगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। तो इतना अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगर आपको बता दें तो ध्यान से देखना थोड़ी सी बात। देखिए इसके आगे, अब आज की ये क्लास जो है यहीं तक। आपने देखा होगा भले क्लास 20 ही मिनट की है, 25 मिनट की है, लेकिन जो इसमें मटेरियल आपको दिए गए हैं अगर आप दिल लगा के पढ़ोगे, रियल में पढ़ोगे, वास्तव में तन मन धन से, तो आप 1.5-2 घंटे पढ़ोगे। इतना सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, ठीक ना। हर टाइप का क्वेश्चन जो आपको बताया गया उस टाइप का 1-2 क्वेश्चन खुद से बना करके करिए, और बाकी जो हमने 2-4 होमवर्क दिए हैं उसको भी करना। अगर आप रियल में वास्तव में सीखना चाहते हो, वास्तव में आपके दिल में मैथ सीखने की चाहत है, तो आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। गारंटी के साथ आपको सिखाया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, गूगल पे फ़ोनपे का नंबर दिया गया है। अगर आप पूरा कंप्लीट फर्स्ट क्लास से लेकर के 8 क्लास तक की मैथ करेंगे तो आपको मात्र 549 रुपये का ज्वाइनिंग शुल्क एक बार पेमेंट करना पड़ेगा, जिसका नतीजा ये सिर्फ फीस नहीं है बल्कि आपकी क्लास की क्वालिटी को सुधारा जाए, आपके लिए और भी सब्जेक्ट के टीचर उपलब्ध कराया जाए। जिस तरह से 0 लेवल की मैथ ने क्रांति लाया और लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट जुड़े ऑल इंडिया से मात्र 8 से 9 महीने के अंदर, उसी तरह से आपकी और भी सब्जेक्ट की 0 लेवल से स्टार्टिंग हो। जैसे इंग्लिश बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती, एकदम 0 से शुरू होगी इंग्लिश की भी क्लास, लेकिन जब आप लोग इसको ज्वाइन करोगे, कम से कम 1000 ज्वाइनिंग तो हर महीने होनी चाहिए ना। आप लोग अगर कोशिश करोगे तो सब कुछ होगा। फिर उसके बाद आपका DSLR कैमरा भी आ गया, आपको मालूम होगा कि क्वालिटी आपकी बदल चुकी है पहले से, है ना, पहले से अच्छी क्वालिटी मिलती होगी अब आप सभी को। तो चलते हैं साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कुछ लोगों के मन में बहुत सारा सवाल आ रहा होगा कि हम भाई पैसा नहीं जमा करेंगे, कुछ लोग कह रहे होंगे हमारे पास है नहीं, तो बिल्कुल ना करें, बिल्कुल फ्री में पढ़ें। ये क्लास तो आपने फ्री में ही देखा ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए। यूट्यूब पर ऐसे हम आपके लिए बहुत सारी फ्री की क्लास भी लाते रहेंगे, लेकिन हाँ अगर वास्तव में सीखना है इसको करोगे तो व्हाट्सएप पे 500 क्लास लगभग आपको भेज दी जाएंगी इकट्ठा, जैसे 50 क्लास, 10 क्लास, 20 क्लास ऐसे इकट्ठा दे दी जाएंगी। फिर आपको यूट्यूब पर खोजने वाला बखेड़ा ना रहेगा, ठीक ना। अगर कोई क्वेश्चन ना आएगा तो फिर आप पूछ भी सकते हो उसे, ठीक ना। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। अगर इसको नहीं करना है तो फिर ऐसे यूट्यूब पे देखते रहिए, बिल्कुल फ्री, इसके लिए कुछ नहीं करना। और हाँ एक सबसे बड़ी बात, अगर आपने अभी तक PBR स्टडी को फेसबुक पर नहीं फॉलो किया तो ये गलती मत करना, बिल्कुल अभी तुरंत कर लेना, क्योंकि वहाँ पर जो क्लास यूट्यूब पर प्राइवेट होती है, अनलिस्टेड होती है, वो फेसबुक पर पब्लिश कर दी जाती है, वहाँ पर ज़रूर देख पाओगे आप उसे। चलते हैं, जय हिंद। अगली क्लास के लिए इंतजार करिएगा 6 बजे से। PBR स्टडी ग्रुप चैनल पर DLED पर आधारित बेसिक कॉन्सेप्ट की मैथ होगी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। 6:30 बजे से अगली क्लास उसके बाद वाली होगी DLED की, वो भी होगी जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट होगा इसी तरह का। 8 बजे से कक्षा 10 की NCERT मैथ होगी, और ज़्यादा जानकारी के लिए इस क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर शेड्यूल दिया गया है। शुक्रिया।